पागल है, हाँ दगाबाज है। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में थूकते हैं। बोल, ऐसे पागल सबको देख लूंगा, सबको देख लूंगा। विश्वासघात देख लूंगा, पीठ में खंजर। खाना है मुझे, जा। नहीं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूं, नहीं नहीं खाऊंगा। ए माँ, तुझे खाना है, तुझे भूख लगी है। मैं तुझे खाना देता हूँ माँ। ला, ये मेरी माँ को भूख लगी है, खाना दे। माँ को भूख लगा है। माँ बहुत सर दुख रहा है। माँ ले, माँ खाना खा ले, माँ खाना खा ले। माँ माँ तू बहुत भूखी है ना, बहुत भूख लगी होगी, जिद्दी है ना, तेरे हाथ से खाएगी। तू उसे खाना खिलाते रहना, पेट भरे तब तक खाना खिलाते रहना। हाँ हाँ, उसके साथ विश्वासघात हुआ, पीठ में खंजर, आज इसीलिए वो पागल हो गई है। हाँ, मुझे खेतों में जाना है। मजदूर लोग सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, कितना सारा काम है वहां पे। मैं जाता हूँ हाँ, खेतों में। माँ देखिए, वो भी बाहर गए। माँ मुझ में अब धैर्य नहीं है, तुम तो पूरे जगत की माँ हो, आपको हर बात का पता है। तुम कब तक हमारी कसौटी करोगी माँ, कब तक? सबर माँ, सबर रख, वो ऊपर वाला सब ठीक कर देगा माँ। हाँ माँ, अब तो भगवान पर से भी भरोसा उठ गया है चाचा। उगते हुए सूरज का अर्स हो जाए, इस बात का मुझे कोई गम नहीं है। अगर हम राजा में से रंग बन गए तो भी इस बात का मुझे दुख नहीं, पर पीड़ा तो राम के बापू की है। एक दिन ऐसा था, जिस रास्ते से राम के बापू गुजरते थे तो गांव के लोग उनको सलाम करने खड़े रह जाते थे, पर आज रघु उठ।
खोप दिया पीठ में खंजर। रघु ये सोमा आगे मत जा, ये आदमी पागल है, तेरे हाथ पैर तोड़ डालेगा। पागल? पागल होगा तेरा बाप, पागल तेरी माँ। मुझे पागल कहते हो? ये जमीन मेरी है, मेरी जमीन है ये। तुम्हारे खानदान वालों ने कभी इतने सारे रुपए देखे हैं? साला मुझे पागल कहता है? चुप, फोड़ डालूंगा इधर ही। डर गया? विश्वासघात। मुझे पागल कहते। हरामखोर, पागल हो गया है फिर भी जमीन की माया नहीं छोड़ रहा है। आज तेरी चमड़ी ना उधर दू ना बे, तो मेरा नाम कुंवर राजदेव नहीं। चल पागल, नहीं कुंवर, मेरे जीते जी मैं अपने मालिक को मार खाने नहीं दे सकता। अच्छा तो तुझे जान कुर्बान करने का बहुत शौक है, क्यों ले कर देता हूँ शौक पूरा तुम्हें। मारो और मारो, मगर याद रखो कुंवर, ऊपर वाले के दुआ के लिए उठने वाले हाथ को तूने जिस तरह से नोचा है, तेरे इस जुल्म का हिसाब करने के लिए इस दुनिया में कोई ना कोई तो जरूर होगा। मारो। क्यों, पागल बाप को बचाने उसका बेटा भी आ गया? नहीं कुंवर नहीं, मैं अपने पागल बाप को बचाने नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी धन दौलत और संपत्ति के सुख में अंधा हो गया है जो, उसे सत्य दिखाने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। ये मेरा पागल बाप, ये तेरा सगा चाचा है, तेरे बाप का बड़ा भाई। हाँ हाँ बड़ा भाई, मेरे बाप के फेंके हुए टुकड़ों पे पलकर ही तुम बड़े हुए हो, कुछ समझ में आया? राम तू ये बात भूल रहा है कि तू हमारा मजदूर है, मजदूर 10 रुपए का दिन वाला। हाँ दिहाड़ी हूँ, मजदूर हूँ। हाँ मैं मेहनत कर पसीना बहाने वाला दहाड़ी हूँ, मजदूर हूँ, गुलाम नहीं। तेरी तो, अरे हट्टा हाथ, आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा धौड़िया। राजेश क्या कर रहा है, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, क्या हो रहा है सब? बड़े भैया ये आप क्या कर रहे हैं? ये धन दौलत जागीर सारी मिल्कियत आपकी है भैया, आपकी। पागल, तू पागल, तेरा बाप पागल, विश्वासघात, दगेबाज, जो मारा बहुत दुख रहा। बड़े भैया हट जाओ मजदूर लोग, रुक जाओ, जा रहा हूँ मैं, हट जाओ। ये क्या जागीर सिंह, आप रो रहे हो? अपने नसीब को रो रहा हूँ, मेरे पास धन दौलत इज्जत आबरू सब कुछ है, मगर मैं अपने बड़े भाई का पागलपन ठीक नहीं कर सकता। मेरी माँ समान भाभी और बेटा जैसा भतीजा जो मजदूरी करके रूखी सूखी रोटी खाते हैं ना, फिर 36 प्रकार के भोजन इस गले से कैसे उतर सकता है? विश्वासघात, विश्वासघात। बेटे जर जमीन जोरू और जुगार ये सब तेरे बाप जागीर सिंह की जागीर है, जागीर। और जागीर सिंह की जागीर में है 3 रानियां। बापू मैंने पत्ते खुलाए, हार नहीं मानी, और वैसे भी बापू तुम्हारी उम्र हो गई है, आप जर और जमीन संभालोगे तो भी बहुत है, जोरू और जुगार आपका जवान बेटा संभालेगा, और हाँ बापू आपकी तीनों रानियों पे राज करेगा ये राजदेव का 3 बादशाह। क्यों बापू कैसा लगा? बहुत खूब। बहुत खूब। मगर बेटा, हाँ
जैसे तूने आज मेरी रानी जीत लिया, वैसे ही अगर तू आने वाले कल को धन दौलत की जीती जागती रानी को अगर जीत ले तो सूरज सिंह की करोड़ों की जायदाद एक पल में हमारी हो जाएगी। बापू आप थोड़ी सी भी चिंता मत करना। बापू मेरी प्रीत के पिंजरे में रत्ना के पार को काट के इस तरह से रखूंगा कि राजदेव को राजदेव का ही रिटर्न करेगी। बाबूजी अभी तक जाग रहे हो, नींद नहीं आ रही क्या? नींद कहाँ से आएगी भिकू काका, बरसों के बाद मेरे कलेजे का टुकड़ा वापस आ रहा है। बरसों से एक बाप का दिल बादल बन के अपने पौधे को पानी देने के लिए तरस रहा है काका। ये बंगला, ये गाड़ी, ये सब ऐसो आराम सब मेरी बेटी के बगैर सुना सुना है। जानता हूँ बाबूजी, रतन बेटी को मैंने ही अपने सीने से लगाकर बड़ा किया है। अपने हाथों से निवाले खिला खिला कर बेटी की वियोग में तड़प रहे हो, ये मैं कैसे नहीं जानूंगा, कैसे नहीं जानूंगा। बहुत दफा देखा है मैंने आपको बेटी के वियोग में छुपकर रोते हुए। मैं नौकर हूँ, मैं आपको क्या आश्वासन दे सकता हूँ काका? मैंने कभी आपको अपना नौकर नहीं समझा, और रत्ना के लिए आपके दिल में कितना प्यार है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तो रत्ना को आगे की पढ़ाई के लिए उनकी बुआ के पास विदेश भेजना पड़ा कि मेरे कलेजे के टुकड़े को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर ना करूं। जाने दो भिकू काका, रत्ना के स्वागत की तैयारियां तो बरोबर से हो गई ना? हाँ बाबूजी। राजदेव को रत्ना को लेने के लिए मैं भेज दूंगा। हाँ बाबूजी, सब कुछ अच्छे से तैयारी कर लिया है मैंने, और रतन बेटी के लिए खीर बनाने के लिए भी कह दिया है मैंने। भिकू काका, अब वो रतन नहीं है, रत्ना है। रत्ना सेजल, मैंने बहुत बार मुझे खत में लिखा था कि रत्ना का गुस्सा बहुत खराब है। देखो अगर उसके स्वागत में थोड़ी सी भी कमी रह गई ना तो आपकी तो बैंड बढ़ जाएगी। हाँ आप जरा भी चिंता मत कीजिए, रत्ना बेटी के लिए ऐसा स्वागत होगा, ऐसा स्वागत होगा कि सदा के लिए याद रहेगा। सुनाई देता तुम्हें? हाथ छोड़, मैं कौन हूँ जानता है? पहचानता है तू मुझे? हम ठहरे गांव के गवार, हम मन से देखते हैं, आंखों से नहीं। क्या हुआ रत्ना, कौन है ये? छे है एक गवार, सुनता ही नहीं। रहने दो, बेचारा गांव वाला है। बेटा तू रास्ते में से हट जाओ, मेरे भतीजी का गुस्सा बहुत खराब है, तू बेकार में पिस जाएगा। चल रत्ना। रत्ना मेरी बेटी। बापू मेरी बेटी, खुश रहो बेटी। ये क्या बापू, आप रो रहे हैं? बेटी ये तो खुशी के आंसू है, खुशी के हैं। मेरे कलेजे के टुकड़े के बगैर इस बंगले में किस तरह से दिन बिताए मैंने, ये कहानी तो इस बंगले की एक एक दीवार है तुम्हें सुनाएगी बेटी। पर अभी अभी मैं मेरी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगा, हम ऐसा मेरी नजरों के सामने ही रखूंगा। हाँ। बेटी से मिल ले हो तो अपनी बहन की तरफ भी एक नजर देख लो। अरे सेजल बहन, आओ आओ आओ। अरे रो मेरी बहन, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। इस रत्ना को तुमने इतने सालों तक अपनी बेटी के जैसे पाला है, इस उपकार का बदला मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बेटी के स्वागत के लिए मैंने माला लाया है। बेटिया मैं तुम्हें याद हूँ कि भूल गई? क्या
का, मैं रही अमेरिका में हूँ पर मेरी आंखें तो वही है। आप आप बिकू काका है ना, जिनकी गोद में खेल के मैं बड़ी हो गई। हाँ बेटा। बेटी राजदेव कहाँ? कौन राजीव? मेरे खास मित्र जागीर सिंह का बेटा, वो गाड़ी लेकर तुम लोगों को लेने के लिए आया था। अरे मैंने तो उसे भेजा था। बट हमें तो कोई रिसीव करने नहीं आया और हम लोग खुद ही गाड़ी रेंट पर करके ले आए और हमारा लगेज भी अभी गाड़ी में ही पड़ा है। भिकू काका सामान लेके आई है। हाँ बाबूजी। पर ये राजदेव रुक कहाँ गया? वाह बेटा वाह, तेरी गाड़ी पंचर हो गई और तू रास्ते में ही रह गया। ऐसे टोना मार के ना बोलो बापू, कार में पंचर हो गया उसमें मेरा क्या गुना? बात तेरी नहीं, बात हम दोनों की भाग्य की है। तुझे पता भी है कि तूने कितना अनमोल मौका खो दिया? आज तेरी गाड़ी पंचर हो गई और कल तेरी जिंदगी की गाड़ी पंचर हो जाएगी और रत्ना किसी दूसरे की गाड़ी में बैठ के जाती रहेगी और तू देखता रह जाएगा उल्लू की तरह। ऐसा नहीं होगा बापू, इस जिंदगी के शतरंज के खिलाड़ी तुम हो ना, तो मैं भी आपका बेटा ही हूँ। बापू आप ऐसे जाल बिछाते जाओ और सबकी डोरी मैं खींचते रहूंगा। बापू हुकुम करो। देख बेटा, हमेशा तुझे परछाई की तरह रत्ना के साथ रहना होगा। सूरज का हाथ तो तेरे सर पर है ही, मगर तुझे रत्ना का दिल जीतना है। मुझे जहां तक लगता है रत्ना रामदेव को भूल चुकी होगी। अगर ना भूली हो तो तुझे उसे भूलने के लिए मदद करना होगा। चिंता मत करो बापू, चिंता मत करो। देखो अगर रत्ना के दिल में कि कोई भी कोने कापचे में रामदेव का अगर नाम लिखा होगा ना, तो उसे तो मैं इस तरह से मिटा दूंगा कि सातों जन्म तक रत्ना कभी राम का नाम नहीं ले पाएगी। कसम है तुझे मेरे साथी तू न जा, कसम है तुझे मेरे साथी तू न रतन, तुम गांव में तो आ गई मगर मेरे पास कब आओगी? से हो डाली में
दिल में जिगर में सांसों में धड़कन में, दिल में जिगर में सांसों में धड़कन में प्यारी सी मुरली बजती रहे, प्यारी सी मुरली बजती रहे। मुरली बजे ये मेरा मन ये हरे, मुरली बजे ये मेरा मन भी हरे। मेरे मन में मुरलियाँ बजती रहे, मेरे मन में मुरलियाँ बजती रहे। रूप की रानी जब से नैन लगाया मैंने चैन गवाया, दिल क्यों मैंने लगाया। रूप की रानी जब से नैन लगाया मैंने चैन गवाया, दिल क्यों मैंने लगाया। तेरे लिए मैंने सपने सजाए रानी कई कई, हाँ हाँ सपने सजाए मैंने सपना सजाया। हो मेरे दिल में जिगर में सांसों में धड़कन में, दिल में जिगर में सांसों में धड़कन में प्यारी सी मुरली बजती रहे, प्यारी सी मुरली बजती रहे। मुरली बजे ये मेरा मन ये हरे, मुरली बजे ये मेरा मन भी हरे। मेरे मन में मुरलियाँ बजती रहे, मेरे मन में मुरलियाँ बजती रहे। मेरी आँखों में तू है, सांसों में तू है, आँखों में तू है, सांसों में तू है। मन की ये कोयलियाँ कुह कुह बोले, मन की ये कोयलियाँ पिहू पिहू बोले। ओ मेरे दिल में जिगर में सांसों में धड़कन में, दिल में जिगर में सांसों में धड़कन में प्यारी सी मुरली बजती रहे, प्यारी सी मुरली बजती रहे। मन की ये कोयलियाँ पिहू पिहू बोले, हाँ मन में मुरलियाँ बजती रहे। Thank you.
जी? राम बेटा राम। जी माँ। जी माँ एक बात कहो बेटा। बात कहनी हो ना तो ये रतन से कह रहा। रतन से देखो तो तस्वीर में कैसे हंस रही है। बेटा इंसान ने खुद के आंखों से बढ़कर कभी बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जो इंसान ये बात भूल जाता है ना उन्हें जिंदगी में आंसुओं के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिलता। और तुम ये क्यों भूल जाते हो कि ये रतन नहीं रत्ना है, देश में बड़ी हुई धनवान बाप की बेटी। माँ अगर किसी का साथ इतना सस्ता होता ना तो जानकी अयोध्या का सुख सुविधा सारे छोड़कर ऐसे वन में कांटे बिछे राहों पर ना चल रही होती। माँ क्यों, वो सतयुग था बेटा, तभी वचन की कीमत थी। अभी कलयुग है, आज धन की चिता पर वचन जल जाते हैं। यूसुफ चाचा समझाओ समझाओ आप अपने भतीजे को। माँ तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बापू को ढूंढने गांव के चौपाल पे। चाचा बालपन में जिसके साथ खेले खाए गीत गाए जिसके साथ सारा बचपन गुजारा वो रतन रत्ना बनने के बाद सच में बदल गई होगी क्या? वो मुझे सच में भूल गई है? बेटे एतबार रख अल्लाह पर और भरोसा रख भगवती पर। अल्लाह अपने नेक बंदे को कभी शिकस्त होने नहीं देता बेटा। दिल पर कभी किसी का जोर नहीं चलता बेटा। ए भूत हंसता क्यों है? तुम मेरे गाड़ी का धक्का मारोगे तो मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगी। हंसने का बंद करो और मेरी गाड़ी को धक्का मारो, मैं तुम्हें 20 रुपया दूंगी। सिर्फ 20 रुपये? 50 दूंगी, 100 दूंगी। अरे भिखारी धक्का मार, तुम्हें 100 कम पड़ते होंगे तो मैं 500 रुपया दूंगी। बस करो मैडम, मैं धक्का नहीं मारूंगा क्योंकि धनवान की ये बेटी खाली पेट वाले को भीख दे रही है और मैं भीख लेता नहीं। और हाँ मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हुआ। अरे तेरी गाड़ी को धक्का मारना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाऊं। ए भूत रुक जाओ। बहुत राय भरी है तुम्हारे दिमाग में, बहुत अभिमानी हो तुम। तुम मुझे नहीं जानते, रत्ना नाम है मेरा, रत्ना। तुमने एक बार नहीं दो बार मेरा अपमान किया है और इस अपमान का बदला ऐसा लूंगी कि तुम्हें रात को भी मेरे सपने आएंगे। मेरे तुम कब समझोगी मैं तुम्हारा बचपन का साथी हूं। बेटा राम कहां जा रहे हो? खेतों में। तुम तो रतन को मिलने गए थे ना, मिली वो? बेटा रतन ने तुझे पहचान लिया ना? बेटे जवाब दे। वो जवाब नहीं देगा चाचा, जवाब उसके चेहरे पर ही लिखा हुआ है। संपत्ति के सेज पर सोने वाले सुबह की बात शाम को ही भूल जाते हैं। फिर ये तो बरसों पुरानी बात है, ये बात अब रत्ना को कहां से याद होगी? और वैसे भी चाचा कंगाल लोगों की कब्र में कफन के बिना दफन हुए इंसानों को कोई याद नहीं रखता। वो अब रतन नहीं रत्ना है रत्ना। ये बात तुम्हें समझ में आ जाए तो अच्छा होगा। अभी झूठे सपने तो नहीं देखेगा। आराम कर ली बिटिया? हाँ काका आराम तो हो गया, बस मेरे बचपन को याद कर रही थी। तुम्हें तुम्हारा बचपन याद है? सब कुछ तो याद नहीं पर थोड़ा थोड़ा याद है। मैं आम की डाली पर झोंके खाती,
नदी में सबके शरीर पर सब पर पानी उड़ाती। काका, मेरे साथ खेलने वाले सब बड़े हो गए होंगे ना? सब बड़े हो गए हैं बेटी, और सब तुम्हें भूल गए। नहीं भूला है तो सिर्फ राजदेव। हाँ बेटे, वो नहीं भूला है। राजदेव, मुझे लगता है कि इस नाम को कहीं सुना है। सुना तो होगा ही ना बेटी। राजदेव मेरे खास मित्र जागीर सिंह का बेटा है, और वो तेरे बचपन का दोस्त जिसके साथ तू झूले खेलती थी, नदी में नहाने जाती थी, आम के पेड़ से आम तोड़ती थी, वो। बापू, राजदेव मुझे अभी भी याद करता है। याद करता है उतने ही नहीं बेटे, वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है इंतजार। अब राजदेव तुम्हारे साथ ही रहे। तुम्हे और राजदेव को मिलके हमारी जमीन जायदाद का सारा कारोबार संभालना है। बेटी, आज रात को मैंने राजदेव को खाने पे बुलाया, तू देखना तो सही, देखेगी तो तुरंत पहचान लेगी। हाँ। अरे अभी तो वो बाका नौजवान बन गया है, हट्टा कट्टा। बिटिया, चाय ठंडी हो जाएगी। काका, मैं हाथ मुंह धोकर फिर चाय पीऊंगी। हाँ, आप क्या सोच रहे हो मैं जानता हूँ। रत्ना मेरी आंखों का रतन है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। उसके सुख के लिए एक झूठ तो क्या, कई झूठ बोलने को तैयार हूँ मैं। छोटी मुंह बड़ी बात कहूँ बाबूजी, इंसान अपने सुख दुख को तो छुपा सकता है, मगर सत्य का सुख कोई ढक नहीं सकता, छुपा नहीं सकता। आप उसकी जरा से भी चिंता मत करो काका, मेरा नाम सूरज सिंह है। सचदेव का वो सूरज उगे उसके पहले तो बाजी खेल चुके होंगे। रत्ना की राजदेव के साथ तो शादी हो चुकी होगी, और रत्ना शादी करके चली गई होंगी अपने ससुराल। अरे रत्ना, आप लोग आपस में बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये राजदेव है तेरे बचपन का साथी, बचपन में तो तू इससे अलग होने का नाम भी नहीं ले रही थी। और बेटे राजदेव, तुम तो कुछ बोलो। मैं क्या बात करूं बाबूजी, आप तो जानते हो कि मेरा बेटा शर्मीला है, शर्माता है, और उसके ऊपर अगर लड़की से बात करनी हो तो ये तो जान ही दे देगा, इतना शर्मीला है। मगर कोई बात नहीं, दोनों जन बचपन के साथ ही है, थोड़े ही दिन में संकोच और शर्म सब दूर हो जाएंगे। रत्ना, बिना खाए वापस आ गई? अरे ऐसे ताक ताक के क्या देख रही हो? एक सवाल पूछूं राज? हाँ? तुम मेरे वही बचपन का दोस्त है ना, जिसके साथ मैं गीत गाती थी, नदी पे नहाने जाती थी, तुम वही हो ना? क्यों, तुम्हें कोई शंका हो रही है? शंका तो नहीं है पर। हाँ, तो कहो सूरज से, हम दोनों भाई बंधु से संबंधी कब बनेंगे? मैं तो संबंधी बनने के लिए तैयार हूँ। रत्ना हाँ बोले उतनी ही देर है बस। रत्ना, तेरे बापू पे तुझे विश्वास नहीं है? वो क्यों तुम्हें मेरे बारे में कुछ गलत बताएंगे? वो तो मैं भी समझती हूँ कि बापू क्यों झूठ बोलेंगे, पर खैर जाने दो। पर वो गीत तो याद है ना, जो हमने बचपन में गाए थे। रत्ना, वो अपना बचपन था, और बरसों बीत गए उस बात को। और सच कहूँ रत्ना, तेरे जाने के बाद वो गाना भी मैं भूल गया हूँ। खैर, तुम आराम करो, हम सुबह साथ में घूमने चलेंगे, मैं तुझे गाड़ी लेके लेने आ जाऊँगा। जरूर नहीं, मुझे गाड़ी चलानी आती है, मैं सीधा खेतों में पहुँच जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तुरंत सगाई और उसके बाद शादी, मेरी बहन भी यहीं पे। क्यों सजल भाई, रत्ना वर्षों से विदेश में मेरे साथ रही है,
मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। उसकी हाँ या ना जाने बगैर कोई निर्णय मत लेना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। सेजल की ये बात सच है भाई, रत्ना को जबरदस्ती मनाना ये तो काम मेरा भी नहीं है। रत्ना बेटा, मिल लिया तुमने अपने बचपन के दोस्त से? हाँ बुआ, मिल लिया, पर मेरा दिल कहता है कि ये मेरे बचपन का वो दोस्त नहीं जिसकी आवाज इतने सालों के बाद भी मेरे दिल में है। आप चिंता ना करें, रत्ना इस बात के लिए खुशी खुशी मान जाएगी। अरे भाई, राज मेरा बेटा है, जागीर सिंह का, और ये दोनों तो बचपन के साथी भी तो है ना। पर कोई बात नहीं कि एक दिन अचानक वो मेरे नजरों के सामने आ जाएगा, और मुझे भरोसा है कि वो भी मेरे जैसा जिद्दी और अकड़बंद होगा। साथ मेरा छोड़ के तू साथी कहाँ जाए, साथ मेरा छोड़ के तू साथी कहाँ जाए, कसम है तुझे मुझे छोड़ के जो जाए, कसम है तुझे मुझे छोड़ के जो जाए। साथ मेरा छोड़ के साथी तू ना जाए, साथ मेरा छोड़ के साथी तू ना जाए, कसम है तुझे मेरे साथी तू न जा, कसम है तुझे मेरे साथी तू न जा। तुझसे मिलन को तरसा मैं कितना, बरसों बिताया राह देख देख के, हो तुझसे मिलन को तरसा मैं कितना, बरसों बिताया राह देख देख के, हंसते हंसते दिन यूं बीते, रोते रोते रात ढले, अब इन आँखों में तेरे जो आंसू जो आए, आँखों में तेरे जो आंसू जो आए, समझ लेना तू मेरा दिल भी रोए जाए, समझ लेना तू मेरा दिल भी रोए जाए। साथ मेरा छोड़ के साथी तू ना जा, साथ मेरा छोड़ के साथी तू ना, कसम है तुझे मेरे साथी तू न जा, कसम है तुझे मेरे साथी तू न जा। तन से जुदा हो गए तो क्या है, हम तो हैं एक दिल और एक जान है, ओ तन से जुदा हो गए तो क्या है, हम तो हैं एक दिल और एक जान है। कसम है तुझे मेरे साथी तू न जा, कसम है तुझे मेरे साथी तू न जा, साथ मेरा छोड़ के तू साथी कहाँ जाए, साथ मेरा छोड़ के तू साथी कहाँ जाए, कसम है
है तुझे मुझे छोड़ के जो जाए, कसम है तुझे मुझे छोड़ के जो जाए। साथ मेरा छोड़ के साथी तू ना जा, साथ मेरा छोड़ के साथी तू ना जा, कसम है तुझे मेरे साथी तू ना जा, कसम है तुझे मेरे साथी तू ना जा, कसम है तुझे मुझे छोड़ के जो जा, कसम है तुझे मुझे छोड़ के जो जा। आओ आओ देवर जी, बहुत सालों के बाद भाभी के यहाँ चले आए। बेटे की शादी की दावत देने आए हो कि क्या? लगन की नहीं भाभी, तुम्हारे बेटे का काल का न्योता देने आया हूँ मैं। समझा देना अपने सपोले को। जन्म मरण तो जगत जननी जगदम्बा के हाथ में है देवर जी। जगदम्बा ने लिखे हुए लेख में दुर्भाग्यशाली इंसान कभी भी मेघ नहीं मार सकता। फिर भी तुम मुझे इतना बताओ कि मेरी बेटी की गलती क्या है? गुना गुना तो ऐसा है कि उसको गांव में खड़ा करके उसकी चमड़ी निकाल दूं। मैं कौन तेरा बेटा? हाँ हा? 10 रुपए का मजदूर। भाभी तुम्हारे बेटे ने मेरी होने वाली बहू के ऊपर नजर रखने की जरूरत की है भाभी, रत्ना पर। भूलते हो देवर जी, पाप से कमाए हुए पैसों ने तुम्हारे आँखों पर पट्टी बांधी है। जिसे तुम अपने बेटे के होने वाली बहू कहते हो वो रतन 8 साल की थी तभी मेरे राम के नाम की चुनरी ओढ़ ली थी। वाह भाभी वाह, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। हाँ पति पागल हो गया, घर में खाने को नहीं है, सर पर छत नहीं है, मगर जुबान अभी तक बहुत लंबी है। हुकुम करो बापू, अभी जबान खींच लेता हूँ इसकी और कर देता हूँ इस बुढ़िया की जबान बंद। एक बार मेरी माँ के साथ उल्टा सीधा बात मत करना, वरना दोपहर पर चलकर आए हो और जाने के वक्त 4 कंधे चाहिए होंगे तुम्हें। नहीं कुंवर, इससे तो मैं बाद में देख ही लूंगा आराम से। इसका क्या करना है? जिस दिन रत्ना अपनी हवेली में आकर पानी भरेगी ना, उस दिन ये मजनू खुद ब खुद पागल हो जाएगा, ठीक अपने बाप की तरह। बेटा तुम गए थे तो क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। रतन मुझे पहचान गई माँ। हाँ माँ, हाँ रतन मुझे पहचान गई, उसे पता चल गया उसके बचपन का साथी मैं हूँ, राम भैरव। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ माँ? ये सब जानकर तू खुश नहीं हुई? बेटा जिसके माथे पर सूरज जगमगाता हो, जिसके आसपास वेदना के भंवर रात भर घूमते हो, उसके दिल में भी हिचकियाँ आती है। नहीं, रत्ना बेटा क्या हुआ? रत्ना बेटी तुम इतना चिल्लाई क्यों? वही डरावना सपना। सपना? सेजल बहन ये क्या बोल रही है? हाँ बड़े भाई, रत्ना को हमेशा ऐसे सपने आते हैं और नींद से उठकर बैठ जाती है। अरे मेरा तो जी घबरा गया था एक पल के लिए। अरे बेटी तू तो बहादुर है, सपने से डर जाती हो तुम। पर बापू ये सपना। अरे बेटी सपने कितने भी बुरे हो पर आखिर तो वो सपने ही है। भिकू काका ये रत्ना को पानी ला के दो और वो जब तक सो ना जाए तब तक उसी के पास बैठे रहना। हाँ बाबूजी। बेटी तुम्हें नींद आएगी ना? हाँ बापू। वाह मेरी बेटी, इसका नाम कहते हैं बहादुर बेटी। बेटी तुम ठाकुर सूरज सिंह की बेटी हो, तुम्हें कोई डरा जाए वो बात में दम नहीं। चल बेटे सो जा। हाँ आराम से। लो बिटिया पानी पी लो और आराम से सो जाओ, यहाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। काका मेरे सपनों की बात क्या आप सुन पाओगे? जरूर सुनूंगा। बोलो बिटिया सपने में तुमने क्या देखा? जैसे कि हमेशा सपने में देखती हूँ, डर जाती हूँ,
चिल्लाकर मैं जाग जाती हूँ। ये सपना नहीं है। सपना नहीं, तो फिर क्या बात है बिटिया? बचपन में देखा हुआ भयानक दृश्य है, वो दृश्य का अंश आज भी मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। काका, मैंने बुआ को कितनी बार कहा पर वो मानती ही नहीं है। जब मैं काका, मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 8 साल की थी, बुआ के साथ विदेश पढ़ाई के लिए जाना था। वो रात को मैं मेरे बचपन के दोस्त रामदेव को मिलने गई। अरे बेटी रतन, तुम अच्छा हुआ आई। क्या कर रहे हो आप? अरे बेटे, हिसाब देख रहा हूँ, बहुत सालों से हिसाब बाकी पड़ा है, आज महा मुश्किल से फुर्सत मिली है। तू बैठ, अभी रामदेव आते ही होगा। कहाँ है रामदेव? अरे भाई, उसकी माँ के साथ मंदिर में दर्शन करने गया है, अभी आता ही होगा। लो आ गया। काका, आप कहना मत कि मैं यहाँ आई हूँ, मैं छिप जाती हूँ। कहना नहीं हाँ, कहे तो मेरी सौगंध। हाँ, जल्दी जा, छुप जा, मैं नहीं बोलूँगा, जा। मैं एक रूम में चली गई। मैं रामदेव को चौंकाना चाहती थी, ना मैं सोचती थी उतना ही हंसती थी। तभी मैंने एक चीख सुनी, मेरे को समझने से पहले उससे पहले मैंने एक आवाज सुनी। सुखा तो गया स्वर्ग में खुशियां मनाने। काका, उसी दिन से मैं इतनी ज्यादा डर गई कि बिल्कुल गूंगी हो गई। दूसरे दिन ही मैं बुआ के साथ गांव छोड़ दिया। वहां जाकर मैं राम ने सुखदेव काका और कौशल्या काकी के बारे में बापू को पत्र लिखकर पूछती रही, पर बापू ने मुझे कभी भी कुछ भी नहीं बताया। और धीरे धीरे मैं सब कुछ भूलती गई, बस पर याद रह गया तो वो शब्द, वो काली परछाइयां। सुखदेव गए स्वर्ग में सुख मनाने के लिए। काका, ये शब्द मुझे आज भी डराते हैं, और मुझे डराते हैं। नींद तो कौशल्या की उड़ गई है बिटिया, नफरत की आग ऐसी जली कि सब कुछ जलकर राख हो गया। सुध-बुध खोया हुआ सुखदेव कम से कम होश में तो आया, मगर पागल हो गया। अपनी जमीन जायदाद सारी मिल्कियत सब कुछ उस जागीर सिंह के हाथ चली गई। कौशल्या देवी ने रामदेव को लेकर हवेली छोड़कर चली गई यहाँ से। मगर ये अच्छा हुआ कि उनका वफादार ड्राइवर ने उनको अपने घर में आसरा दे दिया, जिसका नाम यूसुफ था। पर काका, मेरे बापू ने कोई मदद नहीं की। भाग्य बिटिया, भाग्य। जब तकदीर ही रूठ जाए तो सहारा नाम की चीज यहाँ कोई नहीं देता बिटिया, भगवान भी खामोश हो जाते हैं। जब विपत्ति आती है जिंदगी में, पराए तो पराए अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं बिटिया। कौशल्या जी की सारी संपत्ति चली गई, बस उस घटना ने झंझोड़ कर रख दिया। हवेली में हंसने वाले झोपड़े में जीने को मजबूर हो गए। अरे बेटे की सगाई भी टूट गई बिटिया। क्या सगाई? हाँ बिटिया, तुम्हें तो याद नहीं होगा शायद, बचपन में तुम्हारी सगाई रामदेव के साथ हुई थी। मगर जाने दो, ये सब बातें गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा है बिटिया। उन मुर्दे को मैं उखाड़ूंगी, भले ही मैं अमेरिका की हूँ, पर मैं अपने गांव को नहीं भूलूंगी। भले ही दुनिया के लिए मेरा बालम राजदेव हो, पर मेरे लिए तो वो रामदेव है।
मेरे दिल का रामदेव, मेरा रामदेव। ए रघु, ऐसे माथे पे हाथ लगा के क्या बैठे हो? तेरा दिमाग हल्का हुआ कि नहीं? ए रगी, ए रगी, ए रगी, 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 तुझे शर्म ना आए तो एक सच्ची बात कहूँ? कह दो ना, सच कहने में शर्म कैसी? अरे वही दुख है इस जगत का, सच्ची बात कहने वाले को ये जगत सूली पे चढ़ा देता है, मार देता है। ए रगी, मैं जब छोटा था ना छोटा, तब एक बार सच बोला था। बोलो। मैंने मेरी माँ को अपने बाप की सगी बीवी कहा था और मेरे बाप ने मुझे जोर से सर पे मारा। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि जो सच बोलेगा तो उसको कसम है भगवान कृष्ण की। अरे रघा, जरा अच्छी बात करो ना, फिर अच्छा हुआ कि नहीं? अभी जाने देना, ये मेरा डंडा है ना, इसको किसी की नजर लग गई है, वरना ये मेरा डंडा है ना, ये डंडा है ना, ये अच्छे भले डंडे को मार मार के कछुबर बना देगा सामने वाले के। हाँ, क्या देख रही हो? ये रघा, अरे देखो ना ये आ गई। हाँ? अरे भले आई, आने दो, अभी ये राम भाई का डंडा ना बिगड़े तो अच्छा है। हेलो रामदेव, रामदेव, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरा नाम रामदेव नहीं है, मेरा नाम राम सुखा, रामा सुखा। और आप रत्ना जी? मैं रत्ना जी नहीं, रतन हूँ राम, तुम्हारी रतन। मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है। देखो, बात करने का वक्त मेरे पास नहीं है। मैं एक गरीब इंसान हूँ, 10 रुपए में दिहाड़ी करने वाला, और अगर दिहाड़ी नहीं किया तो 10 रुपए नहीं मिलेंगे मुझे, और अगर मुझे 10 रुपए नहीं मिले, मेरे घर में चूल्हा नहीं जल सकेगा। ओहो, तो तुम मेरे साथ बात नहीं करोगे? नहीं। देखती हूँ कि तुम मेरे साथ बात कैसे नहीं करते। मुझे न सनम जवानी जुलम करे, जवानी जुलम करे। ए 16 बरस की यौवन खाए, आग बुझे न सनम जवानी जुलम करे, जवानी जुलम करे। Thank you.
संभाले पिया, अरे कैसे संभाले पिया, ले चल मुझे तू अपने संग रे, छोड़ के जग सारा, हाँ छोड़ के जग सारा, तेरे मेरे संप्रीत लड़ी रे, तेरे मेरे संप्रीत लड़ी रे, अब मैं किसको करूँ फरियाद, जवानी जुलम कर रे सोला बरस की यावन खाए आग बुझे न सनम जवानी जुलम करे जवानी जुलम करे सोला बरस की यावन खाए आग बुझे न सनम जवानी जुलम करे जवानी जुलम करे जवानी जुलम करे जय माता जी। जय माँ। सुखी रहना रत्ना बेटा, अभी तुम घर जाओ, रात हो गई है, तुम्हारे बापू चिंता करते होंगे। काकी सच कहो, मुझे यहाँ से जाना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा, और आप मुझे रत्ना क्यों कह रहे हो? मैं रतन हूँ, तुम्हारी रतन, जरा भी बदली नहीं। बेटी तुम नहीं बदली, पर हमारा समय और भाग्य बदल गया है। अभी हमें तुम्हारे सपने देखने का भी हक नहीं है, और तुम्हारे बापू अगर जान गए कि तुम यहाँ आई हो तो क्या करेंगे? बापू मुझे फांसी दे देंगे, जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। बेटी तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे कि समय और भाग्य ने तो हमें ऐसा छिन्न विछिन्न कर दिया है कि विपत्ति को सामने से न्योता देने की हमारी हिम्मत नहीं रही। काकी मुझे काका से मिलना है। कहाँ है वो अब तुम्हारे काका नहीं रहे, गांव पूरा उन्हें सूखा पागल कहते हैं, वो जरा भी मान नहीं देते, फिर भी लोग उन्हें पागल कहते हैं, पूरा दिन गांव और खेतों में भटक कर रहते हैं, अक्का दिन गांव के मंदिर में जाके बैठ जाते हैं शाम तक, और मैं वहां जाकर ले आती हूँ। माँ, ओ माँ। काकी मुझे लगता है राम आया है, आप उसे कहना नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। ए माँ। अरे आई मेरे बेटा आई, ले हाथ धो लो। हाँ बहुत थके हुए लग रहे हो, क्यों? अरे माँ छोड़ ना, माँ ला हाथ पोछ लो जरा। बेटा आज बहुत देरी हुई, बहुत काम था। नहीं माँ नहीं। क्यों देरी हुई फिर? अरे वो छिपकली आई थी। पगली? कौन पगली? अरे रत्ना, रत्ना की बात कर रहा हूँ। हाँ? हाँ? पर तुमने उससे बात की क्या? अरे नहीं बात करना है, क्या बात करना है माँ उससे, वो तो बस मुझे देखती ही रहती है, देखती रहती है, शर्म नाम की कोई चीज है नहीं उसमें, जरा सा शर्म नहीं है। वो परदेसी आते है ना, परदेसी छुचुंदरी बंदरिया भूतनी ऐसे ही कुछ करती है। हाँ। और लटक मटक तो ऐसा करती है, ऐसा पूरा गांव शर्मा जाए। हाँ। पूरा गांव। हाँ। और तुम ये क्या है माँ? क्या कहते थे तुम? बंदरी पगली और क्या गेंडी? बताती हूँ जरा, बताती हूँ, मैं पागल हूँ ना, मैं पगली हूँ ना, मैं बंदरी हूँ ना। बहुत हो गया अब, यूसुफ चाचा हो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो अब तुम घर जाओ, तुम्हारे बापू चिंता करते होंगे। भले ना मेरे बापू इंतजार करते होंगे, पर जो मैं जानना चाहती हूँ वो जान लूंगी, उसके बाद ही जाऊंगी। क्या क्या जानना है तुम्हें? मुझे ये जानना है कि ये सब इस कैसे हो गया,
एक ही रात में आप ऐसे उजड़े हुए क्यों हो गए? बेटा, इन बातों से तो कितने सारे दिलों पर जख्म हो गए हैं। इन जख्मों को कुदर के तुम्हें क्या मिलेगा, ये जान के तुम क्या करोगे वो मुझे नहीं पता। काकी, अगर आप मुझे नहीं कहते तो आपको मेरी कसम है, आपको आपके रत्ना की कसम। ठीक है बेटा, तुम कसम दे रही हो इसलिए बताती हूँ। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि तुम्हारा और राम का जन्म भी नहीं हुआ था। उस वक्त तुम्हारे बापू राजस्थान से रोजी रोटी के लिए यहाँ आए थे। तुम्हारे बापू की और राम के बापू की दोस्ती हो गई थी। तुम्हारे बापू की मेहनत और ईमानदारी देखकर राम के बापू ने उनको भागीदार बनाया। हमारा पूरा कामकाज वो अच्छे से संभालते थे। बहुत सुख के दिन थे वो। अरे भाई, कितनी साइन करवाएगा यार। ठीक है, कर देता हूँ। हाँ, ये लो, देख लेना, कुछ बाकी तो नहीं रह गया ना? नहीं बड़े भैया, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई, चाय तो पीते जा, ये तेरी भाभी तेरे लिए चाय बना के लेके आई है ना, एकदम प्यार से। बड़े भैया, भाभी तो मेरे लिए माँ समान है। बचपन में माता पिता के जाने के बाद भाभी ने ही तो हमें संभाला है। और अभी वक्त भी नहीं है, एक दो दिन में फिर से आकर मैं आपसे साइन लेकर जाऊंगा। करोड़ों का मामला है भैया। अच्छा, हाँ, चाय फिर कभी पी लेंगे। भाभी जी, आपकी चाय उधार रही। चलता हूँ। आते रहना लक्ष्मण जैसा मेरा भाई, रात दिन बेचारा दौड़ धाम करते ही रहता। वो दूसरे गांव से मेरे पास यहाँ साइन लेने आया है। बोलो, खराब ना लगे तो एक बात कहूँ आपको? कहो ना। तेरी बात का कभी भी मुझे बुरा लगा है क्या? पिछले एक साल से देख रही हूँ कि आप बाड़ी और खेतों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। हद से ज्यादा विश्वास इंसान को ऐसे दुख में ढकेल देता है कि जिंदगी को किनारा नहीं मिलता। एक बात तुम भूल रही हो, विश्वास तो जगत में अपने ही लोगों पे किया जाता है। जागीर सिंह तो मेरा भाई है, छोटा, मेरा छोटा भाई। मैं अविश्वास रखूं? मैं अविश्वास की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कहती हूँ सब कुछ एक के भरोसे छोड़ देना ये तो पागलपन है। वही ना कौशल्या, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, बाप की जगह पे हूँ। और जागीर सिंह वो तो लक्ष्मण है, लक्ष्मण। और जिस दिन लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम की पीठ में विश्वासघात का खंजर खोप देगा ना, उस दिन इस सूरज की रोशनी भी धुंधला जाएगी, देखना। आज के बाद ऐसी बात कभी मत करना। एक दिन मेरे देवर जागीर सिंह मुझे सही सिक्के का कागज दिखाया और मुझे कहा कि इस जमीन जायदाद और माल मिल्कियत का मालिक राम के बापू नहीं, मैं खुद हूँ। मुझे जमीन जायदाद से ज्यादा राम के बापू की ज्यादा चिंता थी। बेटा, आपत्ति सिर्फ अकेले नहीं आती। एक दिन ऐसा आया, एक एक को देख लूंगा, एक एक को चुन के मारूंगा। राम खोरो, हवेली की इज्जत पर बात आ गई, अभी आग लगा दूंगा पूरे गांव को। जागीर सिंह नाम है मेरा। क्या हुआ देवर जी, किसको गाली गलौज कर रहे हो? इस गांव को, इस पूरे गांव को। आपको पता है कि नहीं, ये लोग इस हवेली के बारे में कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। वो तो कुछ, आज मैंने उनका मुंह पैसे देकर बंद करवा दिया, पर मगर मैं किस किस का मुंह बंद करूंगा? किस किस को कहूंगा कि भाभी के साथ मेरा कोई नाजायज संबंध नहीं है। देवर जी, ये क्या बोल रहे हो आप? मैं नहीं भाभी, पूरा गांव कह रहा है, पूरा गांव ये कह रहा है कि आपका आपके देवर के साथ नाजायज संबंध है। क्या? हाँ, मेरे साथ रंगरेलिया मनाने के लिए आपने अपने पति को पागल बना दिया।
नहीं। भाभी, गांव वालों का मुंह बंद करूं तो कैसे करूं? सती सीता पर भी शंका करे, इसका नाम समाज। और गांव वालों की बातें सही भी तो है। आप जवान और खूबसूरत हो और मैं जवान और विधुर और उसके ऊपर तुम्हारा पति भी पागल। और इस हवेली में बस करो देवर जी, आपके शब्द मेरा सीना छलनी कर देता है। क्या हुआ राज, तू क्यों रो रहा है? मुझे रामदेव ने मारा, लकड़ी से मारा। रामदेव ने? रामदेव ने तुझे मारा? आज अगर मैंने इसकी टांगे न तोड़ी ना, तो मेरा नाम जागीर सिंह नहीं, रामला। तूने राज पर हाथ उठाया? काका, इसने मेरे पापू को पागल कहा, सूखा पागल। आज तो लकड़ी से मारा है, अगर फिर से इसने मेरे बापू को पागल कहा तो जीभ खींच कर इसके हाथ में दूंगा। जुबान खींच लेगा? तेरा बाप पागल, 10 बार कहूंगा पागल। काका, मुंह संभाल कर बोलना, नहीं तो क्या कर लेगा थपोले? तू, तेरी माँ और तेरा वो पागल बाप मेरे फेंके हुए टुकड़े पर पड़ रहे हो, जी रहे हो, मेरी दया पर जी रहे हो। अगर आज मैं तुझे रस्सी से बांध कर उल्टा न लटका दूं, तो मेरा नाम जागीर सिंह नहीं। खबरदार, अगर आपने एक भी कदम आगे रख दिया तो मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाना। अभी हम आपके दया पर नहीं जीने वाले, समझे? अच्छा, तो कहाँ जाओगे तुम लोग? तुम्हारे मैके वाले तो भिखारी हैं, कौन संभालेगा तुम्हें? अरे, इतनी बड़ी जमीन है, कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा ना, और नहीं मिला ना तो पृथ्वी का बिछाना और आसमान की चद्दर ओढ़ कर सो जाएंगे हम माँ बेटे। मेहनत मजदूरी कर अगर पेट नहीं भरा ना, तो पेट फाड़ कर हम जिएंगे, पर तुम्हारे आंगन में भीख मांगने नहीं आएंगे देवर जी। चल बेटा, तुम्हारे बापू को पकड़ लो। दगा दिया तूने, विश्वासघात किया मेरे साथ, पीठ में खंजर घोपा है मेरे, विश्वासघात किया मेरे साथ, धोखा दिया है तुमने हमारे परिवार को, विश्वासघात, दगाखोर, विश्वासघात किया है तुमने हमारे साथ। उसी दिन हमने हवेली छोड़ दी और यहाँ रहने चले आ गए। यूसुफ चाचा ने हमें कसम दे दी और हमें यहाँ ले आए, इसलिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं। यूसुफ चाचा के उपकार हम जीवन भर नहीं भूल सकते। उपकार नहीं माँ, ऊपर वाले का ये एहसान है मुझ पर कि मैं नमक हलाली कर पाऊँ। अल्लाह की कसम माँ, मेरी आंखें आपको काम करता हुआ देखकर, बच्चों को खेतों में काम करते हुए देखकर मेरा कलेजा फट जाता था। जुनून तो ऐसा होता था कि जागीर सिंह की जागीर में जाकर मैं आग लगा दूं। मगर लाचारी माँ, गरीबी की लाचारी। रहीम चाचा, चाचा, मेरी माँ ने मुझे सौगंध देकर मेरे हाथों को बांध कर रख दिया है, नहीं तो आज उस हरामखोर का गला पकड़कर हिसाब मांगना मुझे भी आता है। काकी, अभी किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझो कि आज से तुम्हारे दुख के दिन दूर हो गए हैं। मुझे भरोसा था बड़े भाई, तुम क्या आप जाग रहे होंगे? हाँ सेजल, आज मेरी आंखों की नींद उड़ गई है। जिस बात का मुझे डर था वही सच हो गई। सेजल,
रत्ना को पता चल गया कि उसके बचपन का साथी राम। सत्य को हम कितना भी जमीन में दबा देना बड़े भाई, तब भी वो पौधा बन के बाहर आ जाता है। रत्ना आपकी बेटी है, वो जान दे देगी पर जिद नहीं छोड़ेगी। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? एक 10 रुपए के मजदूर के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूं? मेरी एक लौती बेटी, वैभव संपत्ति में पली बड़ी मेरी बेटी, उसे मैं अपने सगे हाथों से गरीबी की आग में झोंक दूं? नहीं सेजल, नहीं। मैं रत्ना का बाप हूँ, बाप। अरे उसको सुखी देखने का ही तो मेरा धर्म है, धर्म। पर भाई, बेटी से तो पूछो कि उसका सुख किस में है। आप पुरुष हो, स्त्री के दिल की बात आपको नहीं समझ आएगी। स्त्री को सात माले की हवेली का नहीं, प्यार भरे दिल का सुख चाहिए। पर आप ये बात नहीं समझ सकते। मुझे ये समझना भी नहीं है सजन। जब से राज सिंह ने मुझे ये समाचार दिए कि रत्ना ने सबकी हाजिरी में राम के साथ गाना गाया, तब से मेरी जान जल रही है, अंदर से आग भड़क रही है। अंतर नहीं बड़े भाई, अभिमान कहो, अभिमान। सेजल, सत्य हमेशा तेज तलवार की धार की तरह होता है बड़े भाई। उसके झटके किसी से सहन नहीं होते। धन दौलत जमीन जायदाद के अभिमान में आप ये भी भूल गए कि दिल पर किसी का भी हुक्म नहीं चलता। प्यारे पंछी के पंख काट कर अगर आप उसे पिंजरे में बंद कर दोगे ना, तो भी उसकी पुकार पत्थर के परमेश्वर में भी प्राण भर देते हैं। बंद कर तेरी बकवास सेजल, बस कर। तेरे ये शब्द मुझे जलते हुए अंगारे जैसे लग रहे। आज मैं बोल रही हूँ, कल रत्ना बोलेगी। नहीं, वो नहीं बोलेगी। रत्ना मेरी बेटी है, मेरी। मुझे गले तक विश्वास है कि रत्ना मेरा विरोध कभी नहीं करेगी। हाँ, कभी नहीं करेगी। भाई, समझदार मानुष उसे कहते हैं जो जहर की परीक्षा ना समझे। बेटी रत्ना। हाँ बापू। अरे रत्ना बेटी, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बापू मैं खेत पर जा रही हूँ। खेतों में जा रही है तो राजदेव को बुला लेना, उसके साथ ही जाना। हाँ हाँ बापू, मैं राजदेव को ही तो मिलने जा रही हूँ उसके घर पे, फिर हम लोग साथ में खेत पर चले जाएंगे। अच्छा बेटी। रत्ना तू खेतों पर जा रही है, मुझे भी आना है खेत पर। तुम्हें वहाँ का काम है? माला को भी साथ में लेके जाओ बेटी, ये खेती बाड़ी कुआ नदी तालाब ये कहाँ अमेरिका में देखने मिलेगा इसे। आ गई कबाब में हड्डी। ए क्या बोली तू? हाँ पहले बोल, मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे यहाँ की कहावतें नहीं समझ में आती। तुझे यहाँ का कुछ भी नहीं समझता और समझेगा भी नहीं, चलो यहाँ से। क्या सोच रहे बाबूजी, बेटी के चेहरे पे खुशियों की लाली देख रहे हैं क्या? नहीं भीकू काका, मेरे मन की इच्छा मेरी बेटी के चेहरे पे धीरे धीरे पूरी होते हुए देख रहा हूँ। कौन सी इच्छा बाबूजी? सारे जगत को पता है कि मुझे मेरी बेटी की शादी मुझे राजदेव के साथ करवानी है, और आज सामने चल के मेरी बेटी राजदेव से मिलने गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे राजदेव रत्ना को पसंद आने लगेगा। तुम्हें क्या लगता है भीकू काका? बाबूजी, अब इन सब बातों में मुझ जैसे नौकर का बुद्धि कम पड़ जाएगा। रत्ना तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? हमें राजदेव को मिला नहीं जाना? भाड़ में गया राजदेव। हाँ? मेरी मंजिल तो यही है। रत्ना तू यहाँ करोगी क्या? तुम यहाँ बैठे बैठे उबासिया खाओ और मैं मेरे सपनों के राजकुमार का इंतजार करूंगी। ओ डैमिट रत्ना, तू पागल हो गई है। 10 रुपए के रोजगार वाले के पीछे पागल हो गई है। माला, शट अप योर ब्लडी माउथ एंड लिसन। हाँ,
आज के बाद तुमने राम के बारे में एक भी बात कही ना तो जीभ निकाल के हाथ में रख दूंगी। रत्ना सॉरी, आई एम रियली सॉरी माला, पर तुम नहीं समझ सकती कि राम मेरे लिए क्या है। कोई इसके लिए खराब बोले तो मेरे खून का ज्वालामुखी फट जाता है। ये वृक्ष, इस वृक्ष पर लिखा हुआ ये नाम तुम्हारे लिए सामान्य होगा पर मेरे लिए स्वर्ग है। जब प्यार के बारे में समझ भी नहीं थी तभी मैं मेरे सपनों के साजन के साथ रिश्ता बांध दिया था। मैंने उसे यहाँ अपनी जिंदगी का स्वामी बना लिया था। यानी कि हमें यहाँ राम का इंतजार करना होगा। हाँ माला, मेरे जीवन में लेके आए तुम सपने हजार, सपने हुए पूरे लाए रे बहार, सपने हुए पूरे लाए रे बहार। मेरी सुनी दुनिया में तूने रंग बिखराई, बांसुरी के धुन में सोई प्रीत है जागी, बांसुरी की धुन में सोई प्रीत है जागी। मेरे जीवन में मेरी दुनिया में पाके मैंने सब पा लिया। मैं स्नेह का सागर हूँ एरी, आसा जा जिंदगानी ये मेरी। तू मेरा प्रीत पिया, तुझे पाके मैंने सब पा लिया। मैं मोहन हूँ तेरे मन का और तू है राधिका मेरे मन की। मेरे मन मेरे, मेरे मन मेरे प्यार की मुरलिया बाजे, मुरली की धुन में मेरा मन नाचे, मुरली की धुन में मेरा मन नाचे। हो मेरी दुनिया में मेरे जी आजा साथी जन्म जन्म के, तेरा मेरा ही मिलन अमर रहेगा, तेरा मेरा बंधन। आ मिल जाए हम दोनों विश्वास कर अपने प्यार में, मेरे मन में बांसुरिया बाजे, बांसुरिया बाजे, बांसुरी की धुन में मेरा मन ये नाचे, बांसुरी की धुन में मेरा मन ये नाचे। मेरे मन में मेरी सुनी दुनिया में तूने रंग बिखराई, बांसुरी के धुन में सोई प्रीत है जागी, बांसुरी की धुन में सोई प्रीत है जागी।
सपने हुए पूरे लाई रे बहा। माला, साजन के इंतजार में बरसों बीत जाए ना तो भी थकान नहीं होती, उसी का नाम है प्रीत। प्लीज हाँ, तेरा ये भाषण बंद कर। रत्ना, ए रत्ना, रत्ना, अरे बेटा राजदेव तुम? रत्ना मिली तुम्हें? अंकल कहाँ है रत्ना? अरे बेटे रत्ना तो तुम्हें मिलने गई थी, एक आध घंटे पहले निकली होगी यहाँ से, मुझे तो मिलने आई नहीं है। पर अंकल कहाँ गई होगी रत्ना? शायद सीधे खेतों में गई होगी। ओ हाँ बेटे, एक बार खेतों में चले जाओ और सुनना, रत्ना को अपने साथ में ही रखना, हाँ समझे? अच्छा अंकल, ये बात आप रत्ना को भी समझा देना कि वो मेरे साथ ही साथ में रहे। जरूर कह दूंगा बेटे, पर अभी तुम सीधा खेतों में जाओ, पक्का जीते रहो बेटे। जाता हूँ अंकल। राम, मैं तुम्हें यहाँ इस जगह पर किस लिए बुलाया है जानते हो? एक 10 रुपए के दहाड़ी को इस प्रश्न का उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है रत्ना जी। राम, कब तक तुम ये जला देने वाले शब्द मुझे बोलते रहोगे? खाओ करते हैं। जिसने अपनी पूरी जिंदगी दहकते हुए अंगारों के ऊपर गुजारा हो, उसका साथ पाने का क्या फायदा रत्ना जी? रत्ना, मैं तुम्हारे लिए रत्ना हूँ, रतन नहीं। मैं अमेरिका में रही, इसे तुम्हारे दिल से मैं इतना दूर हो गई। याद कर तुम्हारा और मेरा बचपन। वो दिन अलग थे रत्ना जी, उस वक्त मैं सुखदेव का बेटा राम हुआ करता था, और आज मैं एक दिहाड़ी रामला हूँ रत्ना जी। राम नाम बदल देने से अपने दिल से प्यार निकल जाता होगा, तो प्यार के पंछी तो कब के उड़ जाते। राम विश्वास रखो, रतन तुम्हारी है, आखिरी सांस तक तुम्हारी। अपने बीच एक दीवार है रत्ना जी, दौलत की दीवार। इस दीवार को तोड़ने की हिम्मत है तुम्हें? तो हिम्मत है राम, पर मुझे लगता है कि मेरा राम दिल का प्यार और हाथ की ताकत खो चुका है। उसे मेरी अमेरिका नहीं तुम्हारी गरीबी का डर लग रहा है। कायर है राम तू, कायर। रत्ना नहीं, रतन बोल। मैं रतन, मेरे राम के हृदय में रसी हुई रतन, आज मैं तुम्हें ललकार के कहती हूँ। पूरे गांव के सामने मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी, तुम्हें मेरा साजन कहूंगी, और तुम में अगर हिम्मत होगी तो पकड़ लेना मेरा हाथ, नहीं तो मैं ये समझूंगी मैं बचपन में तुम्हारे नाम की चुनरी नहीं तुम्हारे नाम का कफन उड़ा था। अगर रतन के दिल पर राज करना है तो कल बजा देना ढोल और देना मेरे दिल पर थाप। हे जागी जागी रे उमंग, मुझे लागी है लगन, तेरे संग गोरी सुन आज मेरे संग। जागी जागी रे उमंग, मुझे लागी है लगन, तेरे संग गोरी सुन आज मेरे संग। आजा खेले गरबा, आजा खेले गरबा, आजा 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 खेले, आजा खेले गरबा। लागी तुझसे लगन, लारी तुझसे लगन, लागी तुझसे लगन, गोरी तुझसे लगन। दे दे हाथ में तू हाथ ले ले गोरी मेरा साथ, दे दे हाथ में तू हाथ ले 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 गोरी साथ, ले 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 गोरी साथ, ले 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 गोरी साथ। गरबे की रात में तू आजा, गरबे की रात में तू आजा। मेरा रूप तू देखे नशा,
खेलो गरबा खेलो। श्याम खेलो गरबा खेलो गरबे की रात में तू आ जा, गरबे की रात में तू आ जा। मेरा रूप तू देखे न शाम, श्याम राधा के प्रेम में श्याम खेलो गरबा खेलो। वो तेरे दिल की पूरी कर दूं मुराद, श्याम खेले रास खेलो, श्याम खेलो गरबा खेलो। वो तेरे दिल की पूरी कर दूं मुराद, श्याम खेले रास खेलो, श्याम खेलो गरबा खेलो। हो आजा खेले खेले हम गरबा रास खेले, गरबे की रात में हम रास खेले। श्याम राधा खेले है रास रास खेले, मेरे दिल का सुकून आओ रास खेलो। श्याम राधा के प्रेम में भी श्याम खेलो गरबा खेलो। तेरे दिल की पूरी कर दूं मुराद, श्याम खेले रास खेले, श्याम खेलो गरबा खेलो। गरबे की रात में तू आ जा, गरबे की रात में तू आ जा। हे जागी जागी रे उमंग मुझे लागी है लगन, तेरे संग गोरी सुन आज मेरे सर संग। जागी जागी रे उमंग मुझे लागी है लगन, तेरे संग गोरी सुन आज मेरे सर संग। आज खेले गरबा आज खेले गरबा, आज 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 आले आज खेले गरबा। लागी तुझसे लगन लागी तुझसे लगन लागी तुझसे लगन गोरी तुझसे लगन। दे दे हाथ में तू हाथ ले ले गोरी मेरा साथ, दे दे हाथ में तू हाथ ले 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 गोरी साथ, ले 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 गोरी साथ, ले 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 गोरी साथ। गरबे की रात में तू आ जा, गरबे की रात में तू आ जा। रत्ता का हाथ पकड़ने का हक सिर्फ मेरा है बापू। नहीं बेटा राजदीप नहीं, अगर इतनी आसानी से इश्क करने वाले एक हो जाते तो प्रेमियों को कभी इस तरह अग्नि परीक्षा से गुजरना ना पड़ता बेटे। मतलब आप कहना क्या चाहते हो बापू? यही, रत्ना आज भी रतन है, राम की रतन। जो लड़की अपने पिता के सामने गांव के चौक पे तेरे आंखों के सामने अपने प्रेमी का हाथ पकड़ के नाच सकती है, ये प्राण दे देगी मगर किसी और के साथ लगन कभी नहीं करेगी। वो चीता में जल सकती है मगर वो किसी गैर पुरुष का बिस्तर नहीं सजाएगी। अगर तूने राम को मार दिया
तो भी रतन तेरी नहीं हो सकती। वो राम की विधवा बनकर जीवन जीना पसंद करेगी, मगर तुम्हारे नाम की वरमाला कभी नहीं पहनेगी। मतलब मैं क्या करूं? उसका भाई बनके मेरे हाथों में राखी बंधवा लूं? दो रास्ते हैं बेटे, एक तू रतन को भूल जा और मैं इसके बाप के दौलत को। वो किसी भी तरह मुमकिन नहीं है बापू, किसी भी हाल में नहीं। रत्ना राज की विधवा बनेगी ना, वो मुझे मंजूर है, पर राजदेव के जीते जी उसे राम के साथ तो राज नहीं खेलने दूंगा बापू। तो फिर दूसरा भी एक और रास्ता है बेटा, जो काम सीधी उंगली से नहीं होती उसे टेढ़ी उंगली से करना भी सीखना चाहिए बेटा, और इसलिए मैं तेरा बाप हूँ। तू बिल्कुल चिंता न कर, तू देखना आज भरे बाजार में राम का हाथ पकड़ने वाली रतन कल उसके मुंह पर थूकेगी उसके मुंह पर। मतलब आप कहना क्या चाहते हो बापू? जिंदगी की शतरंज पे कौन सी चाल किस वक्त चली जाए बेटे, और किस प्यादे से किसे मारना है, ये तू अपने बाप जागीर से सीख। जमाना जिससे कांपता है, मगर तू चिंता मत कर बेटा, तू निश्चिंत हो जा। आधी रात में रतन को नहीं, रत्ना का सुबह सुबह सपने देखा कर। और आप बापू? मैं जाऊंगा सूरज सिंह के बंगले पर होली के रंग में भंग डालने के लिए। आज की रात भले राम और रतन दोनों मिलकर इश्क का प्याला पी ले। कौन पी ले? राम और रतन बापू। हाँ, राम और रतन। प्यार भी कभी कभी कैसे रंग बदल देता है ना। कल मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और आज तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। आज इस सुहानी रात में तुम रतन की तरह चमक रही हो। ए, मैं रतन नहीं, रत्ना हूँ रत्ना। नहीं, रतन तो आखिर रतन है, चाहे रत्ना बनो या रतन। कभी भी रत्ना नहीं कहूँगा। आज तक तुम्हें रत्ना रत्ना कहते शर्म नहीं आई? शर्म तो बहुत आती थी, मगर क्या करूं, पहली प्रीत को परखना भी तो है। परख लिया? हाँ, परख लिया और भरोसा भी कर लिया। कैसा भरोसा? यही, इस सुहानी रात में अगर तुम नहीं होती तो इस मधुर चांद का क्या मतलब होता। है? रतन, तुम्हें घर नहीं जाना है? तुम्हारे पिता राह देख रहे होंगे। भले ना बापू इंतजार करते हो, आज तो मुझे तुम्हारे साथ अपने प्यार की बातें करनी है। बापू तो कब के सो गए होंगे। नहीं रतन, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी जाना चाहिए, तुम्हारे पिता की आंखों की नींद उड़ गई होगी। आंखों की नींद तो मेरी भी उड़ गई है। ऐसा देखने तो दो तुम्हारी आंखों में। क्या दिख रहा है? तुम्हारी एक आंख में तो प्रीत का नशा चढ़ा हुआ है, और दूसरी आंख में? दूसरी आंख में दूसरी आंखों में तुम्हारे पिता के लाल लाल गुस्से वाली आंखें। भाई, रत्ना का इंतजार कर रहे हो? हाँ, रत्ना का इंतजार कर रहा हूँ। लाल प्यार से पाली पोसी हुई मेरी बेटी ने आज मेरी आंखों की नींद हराम कर दी है। पूरे गांव के बीच नाक काट के मेरे हाथ में दे दिया। मेरा एक 10 टके के मजदूर का हाथ पकड़ लिया। हाँ। उस
में उसने गलत क्या किया मेरे भाई? गलत? गलत क्या किया, ये सवाल तू मुझे पूछ रही है? हाँ, सवाल मैंने इसीलिए पूछा है क्योंकि यही सवाल अगर रतन पूछेगी ना तो आपसे सहन नहीं होगा। वो रतन नहीं है, रत्ना है। रत्ना? आपने रत्ना को रतन बना के मेरे पास भेज तो दिया भाई, पर उसके दिल से उसके बचपन की यादें कभी ना भुला पाए भाई। बस बस करो अभी, सवाल मेरी इज्जत का है। मुझे मेरी इज्जत किस तरह से संभालनी है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जाओ, जाके सो जाओ तुम लोग सब। मेरी इज्जत आबरू के लिए मैं अकेला जागरण करूंगा। हाँ, मैं अकेला ही करूंगा जागरण। जागीर सिंह अभी इस वक्त यहाँ? हाँ ठाकुर, कुछ काम था। आज जो तुमने अपनी आंखों से देखा है उसे देखकर तो तुम्हारी आंखों की नींदें उड़ गई होगी। रत्ना अभी तक नहीं आई ना? नहीं। हाँ, सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती हैं। कब सवेरा हो जाए ना कुछ पता नहीं चलता। जागीर सिंह, ऐसा बोल के आप मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ। बरसात आने से पहले अपना छत ठीक कर लो। ठीक, वरना आज तो तुम्हारी बेटी ने उस 2% के लौंडे का हाथ ही पकड़ा है। अगर तुम्हें रोका नहीं ना तो कल शायद हस्त मिलाप भी हो जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके पहले मैं अपने हाथों से मेरी बेटी का गला दबा दूंगा और मेरी बेटी को मार डालूंगा मैं। तुम हंसो मत जागीर सिंह, मैं जो बोलता हूँ उसे हकीकत में बदलने की हिम्मत रखता हूँ मैं। मैं तुम्हारी बातों पर नहीं हंस रहा हूँ ठाकुर, तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। वो एक कहावत है ना, हम तो डूबेंगे सनम मगर तुमको भी ले डूबेंगे। इस कहावत को साकार कर रहे हो। उस 2% के लौंडे के लिए रत्ना को मार दोगे? छी 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 छी। क्या करूं दोस्त, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। रास्ता है, राम को वनवास भेजने के लिए कैके की जरूरत पड़ती है, कौशल्या की नहीं। कौन सा रास्ता? रास्ता है ठाकुर, ठीक है जागीर सिंह, आपके भरोसे मैं ये बाजी खेलूंगा, पर बाजी उल्टी पड़ जाएगी तब तो राम इस दुनिया में नहीं रहेगा, ये जागीर सिंह का वचन है। बापू आप अभी तक जाग रहे हो? हाँ हाँ भाई, तेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। सवाल तो मुझे भी पूछने हैं आपसे, पर ये नहीं चाहते कि बाप बेटी के बीच के सवालों को कोई पराया इंसान सुन ले। जागीर सिंह कोई पराया आदमी नहीं है, मेरा दोस्त है। पराया और खुद के बीच का भेद आग से ज्यादा अंतर जल्दी से जान लेता है। बापू, आपके लिए जो खुद के हैं वो मेरे लिए पराए हैं, और मेरे लिए जो खुद के हैं वो आपके लिए पराए हैं। रत्ना तू है दो ठाकुर। रत्ना तो मेरी बेटी जैसी है, वैसे भी आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। फिलहाल तो तुम दोनों बाप बेटी आराम से बात करो, मैं जा रहा हूँ। रत्ना, तूने ये ठीक नहीं किया। मैंने तुझे अमेरिका इसीलिए भेजा था, इसीलिए एक गांव की अनपढ़ लड़की के जैसे पूरे गांव के सामने अनजान पुरुष का हाथ पकड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी ठाकुर सूरज सिंह की बेटी हो ये भी तुम भूल गई? पहली बात तो ये, मैं किसी अनजान इंसान का नहीं अपने पति का हाथ पकड़ा है,
जिसके नाम की चुनरी मैं 8 साल की थी तभी ओढ़ चुकी। बकवास बंद कर, वो रिश्ता टूट गया अब। रामलाल तेरा कोई नहीं है। प्रेम का संबंध इतना कच्चा नहीं होता कि जब आप चाहे तब टूट जाए और जब आप चाहो तब बन जाए। ओह, तो बात इतनी हद तक आगे बढ़ गई है। बापू, बात तो बरसों पहले जहाँ थी जैसी थी वैसी है, आगे तो आप बढ़ चुके हो, बहुत बदल गए हो आप। जरा सा भी नहीं बदला है। मैं तो अपनी बेटी से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि तू उसके प्यार में पागल होके तू अपने सगे बाप के सामने जबान चला रही है। उसकी प्रीत कितनी सच है वो तो पहले पारा। प्रीत अगर सच्ची ना होती तो कहानी आंसुओं से नहीं लिखी जाती। मैं तेरी नहीं, राम की प्रीत की बात कर रहा हूँ। वो तुझे नहीं पर तेरी जमीन जागीर जायदाद हवेली इस सब से प्यार करता है। तू एक लौती ही वारसदार है मेरी, इसलिए ये सब हासिल करने के लिए वो तेरे साथ प्रीत का नाटक कर रहा है। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं। और ये मैं साबित करके दूं तो तू राम को भूल जाएगी? भूलूंगी नहीं, उसके मुंह पर थूक दूंगी। पर भरोसा रखना बापू, पूरी दुनिया अगर मुट्ठी में भी आ जाए तो भी कोई प्रेमी अपने प्रीत का सौदा नहीं करता। तो तू भी विश्वास रखना बेटी कि अगर मुझे विश्वास हो गया कि राम तेरी जागीर को नहीं तुझे प्यार करता है तो मेरे इन अपने हाथों से तेरा हाथ राम के हाथों में दे दूंगा। बापू, पत्थर दिल का जरूर हूँ बेटी पर हूँ तो तेरा बाप, मुझे तो बस तुम्हें सुखी देखना है। मेरी बेटी बापू, मेरी बेटी ध्यान रखना। रत्ना बेटी, राम अभी तक नहीं आया? तूने समाचार तो भिजवा दिए थे ना? हाँ बापू, मैं खुद उनसे कहने गई थी। तो फिर अभी तक आया क्यों नहीं हो? ठाकुर, कहीं वो 10 रुपए वाला दिहाड़ी तुमसे कितने पैसे ऐंठने हैं यही सोच में लगा होगा। प्रॉपर्टी के बारे में वो सोचता है जिसके दिल में कपट होता है। जिसकी राह देख रहे थे देखो वो आ गया। जय माता जी ठाकुर। जय माता जी। आओ राम बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ ठाकुर, जो कुछ काम है मुझे बता दीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। जल्दी में तो मैं भी हूँ पर तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये क्या है जानता है तू? हाँ मैं जानता हूँ ठाकुर, एक स्त्री का सुहाग की निशानी है। और ये दस्तावेज है ठाकुर, सूरज सिंह की सही वाला दस्तावेज, 100 बीघा जमीन के मालिकाना दस्तावेज। मेरी बेटी रत्ना। बापू, बापू मुझे रत्ना नहीं, रतन कहो, रतन। हाँ रतन। मेरी बेटी रतन का कहना है कि तू उसे दौलत से भी ज्यादा प्यार करता है, पर मेरा तुझ पे खुला आरोप है कि तूने मेरी बेटी के साथ धन दौलत की लालच में आकर उसे अपनी प्रेम जाल में फंसाया है। आज रतन भी यहाँ पे हाजिर है। ठाकुर हूँ, पीठ के पीछे खेल खेलने की मेरी आदत नहीं है। देख अगर तेरी प्रीत सच्ची होगी तो उठा ये हार और पहना दे मेरी बेटी के गले में, मैं हंस के उसका हाथ तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। और अगर तुम्हें जमीन जायदाद की लालच होगी
चाहिए तेरे नाम का दस्तावेज। 100 बीघा जमीन का मालिक तू, तेरी प्रीत और तेरी लालच दोनों तुम्हारे सामने है। निर्णय लेने की तुम्हें आजादी है। बढ़ाने से पहले जरा अपने दिल से पूछ लेना मेरी जान कि ये मंगलसूत्र गले के निशाने के बदले कहीं गले का फंदा न बन जाए। नहीं! आज से ये जमीन मेरी हुई ठाकुर। अभी तुम जा सकते हो राम, आज से तू 10 रुपए का मजदूर नहीं 100 बीघा जमीन का मालिक हो। राम, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे जैसे दगाबाज प्रेमी को तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसे जाने दो रत्ना बिटिया, जो दिल से खेलकर बाहर निकलकर जा रहा हो उसे रोकने का क्या फायदा बिटिया। खबरदार अगर किसी ने मुझे समझाने की कोशिश की तो। तुमने 100 बीघा जमीन के बदले में मेरा सौदा कर डाला। रतन, रतन नहीं, रत्ना बोल, रत्ना। 10 रुपए का रोजिंदा तुमने मेरे साथ दगा किया। अभी अभी इसकी सजा भुगत। इसे जाने दो रत्ना बिटिया। नहीं, इस 10 रुपए के दहाड़ी वाले ने मेरे जिंदगी पे तमाचा मारा है। अमेरिका में रहने के बाद भी मैं इस नीच दगाबाज के सपने देखते रही। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए मैंने अपनी बेटी होने की मर्यादा तोड़ी। हिम्मत करके खुलेआम तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुमने मेरा प्रेम दिखाया, तुमने मेरा प्यार देखा है पर नफरत नहीं। अरे मैंने तुम्हें हंसना सिखाया और तुमने मेरे आंखों में हमेशा के लिए आंसू भर दिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगी। नहीं, नहीं मारूं, नहीं छोडूंगी, मैं मार डालूंगी। तू पागल हो गया क्या? पागल हो गया तू? रामला, तू जा यहाँ से अभी। अरे तुझे जो चाहिए था वो मिल गया ना, अभी जा यहाँ से, फुट यहाँ से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़, रख तू। ठाकुर साहब, अब मिल गई ना आपको शांति। मैं ना आपसे कहता था रतन राम के मुंह पर थूकेगी। थूकी ना। छोड़ दो। एक बात याद रखना राजदेव, तू कपट करके भले ही रतन के साथ शादी कर ले पर रतन तेरी नहीं होगी, किसी भी हिसाब से रतन नहीं होगी। काकी, मुझे रत्ना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है उसकी जमीन और जायदाद में। और अभी तक तो तुम्हारे बेटे रामलाल ने ये मंगलसूत्र भूल के कर दिया होगा अपनी जमीन का सौदा और प्यार का सौदा भी, और किसी को पता नहीं चलेगा कि। पता चल जाएगा बदतमीज, सबको खबर पड़ जाएगी। राजदेव, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। यूसुफ उसकी वफादारी जरूर दिखाएगा। राजदेव का खेल कभी खत्म नहीं होता है। जो सब वफादार कुत्ता जरूर होगा पर ये राजदेव उसे वफादारी दिखाने का मौका नहीं देगा। ए रुक।
दिखाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। चल हट। चलिए शगुन मंगवाइए, मुंह मीठा करवाकर रिश्ता पक्का कीजिए और बाद में शादी की तारीख तय कर लेंगे। अभी भी मेरी बात सुनो, सगाई पक्की करने से पहले एक बार रत्ना से पूछ तो लो। तुम उसकी चिंता मत करो बहन, रत्ना मेरी बेटी है, अब उसे सत्य की समझ आ गई है और ये सब मैं उसके सुख के लिए तो कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं जो कहूँगा वही मेरी बेटी करेगी। बुआ, ये सगाई मेरी इच्छा से मेरी खुशी के लिए हो रही है। बस ना बहना, अब मुंह मीठा करने में कोई तुम्हें तकलीफ नहीं ना। निकू काका, लाइए मिठाई की थाली। लीजिए बाबूजी। यूसुफ चाचा, यूसुफ चाचा। बेटी, राम ने कोई गलत सौदा नहीं किया। सौदागर राम नहीं, सौदागर ये सारे लोग हैं। खबरदार, एक भी शब्द बोला ना तो तेरी जबान खींच लूंगा। पीठ पीछे वार करने वाले तू जैसा नामर्द सामने आकर तू कुछ नहीं कर सकता। रतन बेटी की हाजिरी में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। बेटी, हाँ चाचा। राम, इन बदमाशों ने राम की माँ के गले पर कौशल्या माँ के गले में चाकू लगा कर रखा था। माँ की ममता के लिए, को जिंदा रखने के लिए अपने प्यार की बलि चढ़ा दी, बलि चढ़ा दी अपने प्यार की। झूठ है, झूठ है ये सब। अपने मालिक का वफादार कुत्ता एकदम झूठ बोल रहा है ये। बेटी, कुराने पाक की कसम बेटी, अगर मैंने एक भी शब्द झूठा कहा हो तो अल्लाह पाक मुझे जहन्नुम की आग में जलाए। बेटी, खुदा हाफिज। चाचा, सगी बेटी के साथ छल करके फांसी पर चढ़ा देने में आपको शर्म नहीं आई? कोई बात नहीं, आपने जो करना था वो कर लिया, अब जो मुझे करना है वो मैं करूंगी। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि आपने मुझे भी अंधेरे में रख के अच्छा नहीं किया। मतलब अगर मुझे पहले ही पता होता कि आप राम की माँ के गले पे कटार रख के राम को दबा देने वाले हो तो इस बात के लिए शायद मैंने हाँ नहीं कही होती। आंखें हैं मेरी और आंसू है तेरे, आंखें हैं मेरी और आंसू है तेरे, गहरे जख्म है दिल पे कैसे संभाले, कैसे संभाले। वादा जन्म जन्म का तूने जो तोड़ा, वादा जन्म जन्म का तूने जो तोड़ा, टूट के तूने दिल को ऐसे बिखेरा, ऐसे बिखेरा। आंखें हैं मेरी और
आंसू है तेरे। बिरहा की आग में बरसों जला हूँ, बिरहा की आग में बरसों जला हूँ। भूलना तो चाह तुझको पर भूल ना पाया, बचपन का प्रीत साथी कैसे भुलाए, बचपन की प्रीत साथी कैसे भुलाए, कैसे भुलाए। वादा जन्म जन्म का तूने जो तोड़ा, माँ की ममता तुम्हें महंगी पड़ी। बलिदान कर दिया बेटा। नहीं माँ, नहीं माँ, नहीं। अरे रत्न, तू? रत्ना बेटा, तू यहाँ? मुझे रत्ना नहीं रतन कहो। माँ, प्रेम या प्राण इतना सस्ता नहीं होता कि शैतान उसे छल करके छीन ले। राम, माथे पर विश्वास की खबर लेकर आई हूँ। अगर दिल में हाँ हो तो उतार लो। हाँ तो है रतन, मगर तुम्हारे बापू, उन सब की चिंता तुम छोड़ दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, इस बात की माफी मैं बाद में मांग लूंगी। और राम, मेरा भाग्य मुझसे एक बार फिर से पलट जाए, इससे पहले मुझे अपने बना लो राम।
मुझे अपनी बना लो। माँ, तुम्हारे बेटे की बहू रतन ये अपने घर आ गई है, इसे आशीर्वाद नहीं होगी माँ? हाँ बेटा जरूर। रत्ना, लाल, रत्ना के प्यार को तूने भले ही पा लिया हो और उसकी इज्जत तो मैं ही लूटूंगा। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना 10 रुपए के मजदूर, एक कदम भी आगे बढ़ाना तो तेरी ये रत्ना का राम नाम सत्य कर दूंगा, समझा? ठाकुर साहब, मुझसे विश्वासघात करने वाला हरामखोर, अभी भी कहता हूँ मैं मर जाऊंगा पर एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी तुम्हें नहीं दूंगा। देनी पड़ेगी ठाकुर साहब, देनी पड़ेगी, सिर्फ एक बीघा नहीं, तुम्हारी तमाम जमीन जायदाद मेरे नाम करनी होगी। ये तुम्हारे जमीन की दस्तावेज है, अब जरूरत है सिर्फ तुम्हारी दस्तखत की। हाँ। मैं अपनी जान दे दूंगा पर साइन नहीं करूंगा। करना पड़ेगा, 10 बार भी करनी पड़ेगी, एक बार नहीं, हाँ 10 बार भी करनी पड़ेगी। हाँ मैं आ गया हूँ बापू। अभी चल चुपचाप पीछे, अभी चल रतन, रतन बेटी। ठाकुर ऐसे फड़फड़ाओ नहीं, राम के घर जाने वाली तुम्हारी ये प्यारी बेटी अभी भी कुंवारी है। और मेरा बेटा राज, तुम्हारी बेटी के बदन से एक एक कपड़ा उतारेगा। नहीं, नहीं। और तुम देखोगे, देखना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं, नहीं। तुम चीखो चिल्लाओगे और मैं भी चुपचाप तो नहीं बैठूंगा, मैं भी तुम्हारी बहन के कपड़े उतारूंगा। एक तरफ तुम्हारी बेटी रोती रहेगी और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन की चीखे। बोलो ठाकुर, तमाशा कैसा रहेगा? नहीं, नहीं, चीखो चिल्लाओ नहीं ठाकुर। अगर तुम्हें ये सब ना देखना हो तो इस दस्तावेज पर साइन कर दो, तुम्हारा सारा मिल्कियत का मालिक मैं। नहीं पागल, ये क्या किया तूने पागल बेवकूफ? साले इस हरामजादे ने आके पूरी बाजी बिगाड़ दी बापू। तू चिंता मत कर, दस्तावेज दूसरी भी आ जाएगी। बेटे राज, अब अपना काम खत्म हो गया, सुख तो गया स्वर्ग में सुख झेलने के लिए, सुख तो गया स्वर्ग में सुख झेलने के लिए। हरामखोर, तू ही था, तू ही क्या कर रही है? तुझे मैं नहीं छोडूंगी, तू ही था वो। छोड़ उसे, छोड़ दो मुझे। चल, अरे चल, मेरे सामने होशियारी दिखाती है। ये ऐसे नहीं मानेगी, ले ले, ऐसे नहीं मानेगी, ले। राम,
लोग हैं, यही है, यही ये जागीर सिंह ही है। और सुखी काका को पागल करने वाला, तुम्हें राजा से रंग करने वाला, यही है, यही है, यही है। पकड़ ले साले को। बापू अब यही रुकना। बापू मारो इसे, यही वो अपराधी है जिसकी वजह से आप पागल हो गए थे। बेटे बेटे सुन सुन, मैं पागल था पर अब नहीं हूँ। हाँ बापू, मैं आप सबको पहचान सकता हूँ बापू। हाँ, पर बेटा तू तो मेरा बेटा रामदेव, रामदेव तो नहीं है। हाँ, हाँ। मेरा बेटा रामदेव। बड़े भैया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं बेटे, माफ कर दे इसे, माफ कर दे बेटे। अरे सच्चे दिल से प्रायश्चित करने वाले को तो भगवान भी माफ कर देता है बेटा, माफ कर दे इसे। देखो सुखदेव काका, आपने मुझे नहीं पहचाना। नहीं बेटे, मैं आपकी रतन। हाँ। रतन, अरे बेटी रतन, सुखदेव काका, राम, बेटी रतन। सुखी रहो दोनों भाई, आज से हम दोनों समधी बन गए। हाँ समधी जी। खबरदार, राज नहीं, नहीं बेटा राज नहीं, नहीं ये क्या कर रहा है राज, क्या कर रहा है राज। हे जगत जननी, दुनिया में जुल्म ना हो ऐसा देखना माँ। राज मजदूर, राज 10 रुपए का मजदूर। बेटा राज, राज कुछ क्या हो गया, राज कुछ क्या हो गया, देख ना 10 रुपए का मजदूर। कोई हिलना मत, गोली मार दूंगा। इसके आओ, 10 रुपए का मजदूर।